वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, आई थिंक बहुत ज्यादा मिस कर दिया होता मैंने अगर मैं यहाँ नहीं आया होता. सो फन, वाओ, आई हैव टू डू लाइक अ मिलियन मोर टाइम्स, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप दिस डे. How is it? Do you want to be a pilot? Surprise, surprise! देखो कौन है पीछे. दोनों बच्चे आज उड़ गए सुबह सुबह. उन्होंने बोला कि कल यार मम्मा को ना स्कूल छोड़ने सॉरी मम्मा को ऑफिस छोड़ने जाना, उनको बड़ा मिस हुआ. तो आज है सेकेंड डे ऑफिस आंचल का, और कल एक और दिन है ना, कल हाफ डे है. सो तीन दिन का टोटल विजिट था. तो आज बच्चे लोग भी चल रहे हैं छोड़ने के लिए सुबह सुबह. टाइम हुआ है 8:15. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग यार, मतलब अच्छा है, ठीक है, क्या बोलू. मतलब दिस इज समथिंग, मैं मन तो था कि अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करूं, बट जिस काम के लिए आए वो तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मैं चली ऑफिस. और पीछे से ये लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और शायद आज ही जल्दी कहीं निकल भी जाएंगे घूमने के लिए. तो आई विल सी देम इन द इवनिंग. राइट, कल जो हम लोग गए थे वो क्या देखने के लिए, पार्लियामेंट वो देखने गए थे. तो वहां पर थोड़ा सा मेरे को इरिटेट हो गया था क्योंकि पार्किंग नहीं मिली थी. एंड देन फर्स्ट डे पे फर्स्ट डे पे हम लोग गए थे चर्च जहाँ बंद हो गया था. तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि सबसे पहले चर्च जाके कवर करें, वो करने के बाद देखेंगे क्या प्लान बनता है. लेकिन हाँ, आज है प्लान कि जल्दी निकलेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे. आज मम्मा का वेट नहीं करेंगे हम लोग, और हम लोग निकलेंगे आपस में तीन जने. रेडी, एक्साइटेड टू गो आउट. हाय, बाय गाइस. चलो बाय मम्मा, हैव फन, एंजॉय योर डे एट वर्क. चलो बाय. सेकेंड डे ऑफ ब्रेकफास्ट, देखें आज क्या है, कुछ अलग है कि नहीं है वो चेक करना है. यहाँ पर है वॉफल, यहाँ पर है वही स्क्रैम्बल्ड एग, वही सॉसेज. आज बेक्ड बीन्स है, देखो आज ये नया है कि बेक्ड बीन्स. ये सॉसेज, ये अलग सॉसेज है, ये भी नहीं खा सकते आज. ये है स्क्रैम्बल्ड एग. ओके, वो वाला एग नहीं है टूटू, जो आपको पसंद था, जो कल जो खाया ना ऑमलेट टाइप का, वो नहीं है आज, ये स्क्रैम्बल्ड एग है. तो आज का ब्रेकफास्ट बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं खाने के लिए. मैंने लिया है स्क्रैम्बल्ड एग, ब्रेड, पीनट बटर, एंड टूटू ने लिया है एक ब्रेड जैम. टूटू खा रही है एप्पल एंड मफिन एंड एक योगर्ट. ऐसे टाइम में हम लोग को मिस हो रहा है यार अपना इंडिया वाला जो ब्रेकफास्ट स्प्रेड रहता है ना, जो पोहा, उपमा, इडली, आहा, वो सब मिस हो रहा है. ये सब कुछ खाना है क्या, बताओ यार, ये कौन खाता है ब्रेकफास्ट में? पोहा, उपमा, इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, वो सब आता है मजा खाने को, है ना? और ये लड़का देखो खुद से उठा के योगर्ट खा रहा है. इज इट नाइस टिकी? सो हम लोग अभी आ गए हैं इस कैथेड्रल में, जहाँ पे हम लोग का प्लान था आने का पहले दिन पे. लेकिन जब हम लोग आए थे तब वो बंद था. ये जगह इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, देखने वाली चीज़ है ये. Crucified, right? Oh, and look at this, yaar. Kitna beautiful design hai ye yahan pe. You will only believe when you see with your naked eye. Agar aap aise camera mein dekhoge na, shayad itna justify nahi kar raha hoga ye. But you have to see this with your eyes. It's marvelous. It's absolutely beautiful. ये देखो चर्च को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी इसकी मस्ती शुरू हो गई है. ओ वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस कर दिया होता मैंने अगर मैं यहाँ नहीं आया होता. आई एम सो हैप्पी मैं ये जगह पे आया. इट वॉज सो नाइस फ्रॉम इनसाइड, 100% वर्थ विजिटिंग. अगर आप ओटावा में हो और आप इस एरिया में हो, डेफिनेटली विजिट करो, डोंट मिस दिस प्लेस. टूटू कैसा लगा आपको? Good, but
so scary because of this, that with the picture of Jesus. I know. And the confession room, it was scary. That was scary, I know. तो इसको जब मैंने बताया कन्फेशन रूम के बारे में थोड़ा सा डर गई. एंड एट द सेम टाइम शी इज लाइक, वो जीसस को अगर क्रूसीफाई किया था तो उनकी फोटो या स्टैच्यू क्यों बनाया. तो मैंने उसको वही बताया कि ये बनाया गया है टू रिमाइंड द ह्यूमन बींग्स दैट गॉड सैक्रीफाइस, जीसस क्राइस्ट ने सैक्रीफाइस किया था हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए. ओके ताकि हम भूले ना ये बात कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है. चलो बैठो. आपको पता है जीसस को क्रूसीफाई कब किया था? Yes. कब? On Good Friday, correct. And he came back with Easter. Correct. तो इसीलिए बोलते हैं लोग, बोलते हैं Good Friday. Actually नाम में Good Friday है, but it's not good. Good Friday is not good. It's a sad day for people. Yeah. Because Jesus was crucified. Understood? But Easter is a happy day. Easter is a happy day because he came back alive. Correct. Let's see. कहाँ जाते हैं पता नहीं. कहीं तो जा रहे हैं. रिश्वत के बिना ना आज तक कभी काम हुआ है और ना ही कभी होगा आगे भी. तो हर जगह पे रिश्वत देनी ही पड़ती है. मुझे भी देनी पड़ गई रिश्वत. डील ये हुई थी कि एक जगह मेरी जाएंगे तो एक जगह टुटू की जाएंगे. उसने बोला था, मैंने कहा चलो ठीक है यार, बात सही है. क्योंकि वो बोल रही है उसको भी तो इन्जॉय करना है. तो अभी हम लोग आए हुए हैं सिंडी मिचल पार्क. ये पार्क जो हम चर्च गए थे उसके बिल्कुल सिर्फ 5-7 मिनट ही दूर है. ट्रस्ट मी, दिस पार्क इज ब्यूटिफुल. मतलब मैंने ऐसा पार्क टोरंटो में आज तक कभी नहीं देखा है. मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या अलग लगा मेरे को इस पार्क में. हर पार्क में झूले तो होते ही हैं, वो मंकी बार होता है, वो सारा चीज होता ही है. लेकिन छोटे बच्चों के लिए इन्होंने देखो ये भी रखा हुआ है. ये मैंने आज तक किसी टोरंटो के पार्क में नहीं देखा है कि ये रखा हुआ हो. प्लस तीर्थ को तो ये बड़ा मजा आ गया. तीर्थ तो ये साइकिल में जो घूम रहे हैं, ये देखो इकी साइकिल, यू वांट टू सिट ऑन इट, कम आ जा, आ जा, ये आ जा, कम हियर, ओके सिट. ये देखो, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिट ऑन इट. हाँ सिट. अरे वाह, बैठ गया. अरे वाह, ये देखो कैसे चला रहा है साइकिल. ये मैंने आज तक किसी भी पार्क में नहीं देखा है. बच्चों को कितना मस्त एंजॉय होता है. मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखा है क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो लोग थोड़ी ये सारी चीजें कर पाएंगे. बहुत मस्त पार्क है. सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेंगे एंड फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है. एटलीस्ट ये होता है ना कि यार बच्चे भी खुश हो जाते हैं ना, तो अपने को भी खुशी लगती है कि ठीक है यार दो चार साइट सीइंग कम कर लेंगे, लेकिन बच्चे खुश होकर निकलेंगे वापस यहाँ से. जब हम टोरंटो चले जाएंगे, सॉरी हैमिल्टन चले जाएंगे वापस, और बच्चों को पूछेंगे कि आपकी छुट्टियाँ कैसी थी, वो लोग खुशी खुशी स्माइल करेंगे और बोलेंगे पापा मम्मा द वेकेशन वॉज वेरी नाइस, इट वॉज अ नाइस फैमिली ट्रिप. सो दैट इज वॉट वी क्रेव फॉर, राइट ऑल ऑफ अस, डोंट वी. ओहो, ये देखो आगे बढ़ने पे ये भी कितने मस्त टॉयज रखे हैं. ये देखो एक बाइक रखी हुई है, यहाँ पर एक फायर ट्रक रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्ले हाउस रखा हुआ है, यहाँ पे एक और ट्रक रखी हुई है. बहुत बढ़िया है. और ये देखो इसको पसंद आ गई बाइक. बाप का बेटा है ना, ये बाइक पे तो बैठेगा ही बैठेगा. गुड जॉब बडी, गुड जॉब. टूटू आ गई है अपने मंकी बार्स पे. टोरंटो हैमिल्टन में कर चुकी है, अब आ गई है ऑटवा में करने के लिए. चलो शुरू हो जाओ अपने मंकी बार्स. I don't know if I can do the whole thing because it's a curve. हाँ, let's try. हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये कर्व में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेट्स ट्राई. गुड जॉब, गुड जॉब. वाह, सी बॉडी पूरी टेढ़ी हो जाती है तो एक कर्व वाला थोड़ा डिफिकल्ट तो है. आई एग्री टू यू ऑन दैट. नो वरीज, यू डिड गुड. डर रहा है ये नहीं कर पाएगा. पापा कैन यू टेक फोटो दिस टाइम? हां नाउ आई विल टेक अ फोटो. हाउ वाज इट? सो फन. वाओ, आई हैव टू डू इट लाइक अ मिलियन मोर टाइम्स. आई एम नॉट अ मंकी बट दे इन द पार्क. फोटो.
गुड वाओ यू आर स्ट्रांग यार कितनी देर लटकी है देखो वेरी नाइस तो क्या कर रहे हैं सैंड को लेके इस पे डाल रहा है अपनी स्विंग पे व्हाट आर यू डूइंग सैंड के साथ खेल रहे हैं कैसे खेल रहे हैं ना अच्छा हुआ इसको नहलाया नहीं है वरना तो पूरा गंदा हो गया होता अब तक जो सैंड को उस पर डाल के झूला करा रहा है उसको कि कैसे अगेन 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 ओके इसको सैंड पर रख दिया अभी नाउ व्हाट टू डू झूला अरे वाह क्या क्यूट है यार लेट्स गो होम नो लेट्स गो होम नो नो लेट्स गो होम हम लोग ना डेढ़ घंटे से खेल रहे हैं बच्चे लोग 12:15 बजे आए थे अभी 2:15 बज रहे हैं लेकिन फिर भी घर जाने का नाम नहीं ठीक है लेट्स गो होम We are going home now. That's it. हो गया टाइम एंड पूरे 2 घंटे हो गए हैं इन लोगों को और अभी भी सवाल का जवाब यही है ठीक है चले 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 झूला रेस्टोरेंट से खाना खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं बार बार बोल चुका हूँ और मैं बार बार बोलता रहूँगा ये क्योंकि जेन्युइनली मेरे को रेस्टोरेंट से खाना खाना नहीं पसंद है ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के खेलने के बाद हम लोग आ गए फाइनली होटल वापस एंड अभी बच्चे लोग खा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज एंड मैंने डाल दिया है बहुत सारे ऑरेंजेस खाए हैं और मैंने रख दिया है पुलाव बनाने के लिए एंड जो मैं बता रहा था सबसे बेस्ट चीज होती है होटल में रहने की जैसे घर आए हैं और मैंने देखा जब कल जब हम लोग गए थे यहाँ से पार्क पार्क जाने के लिए और चर्च जाने के लिए पूरा सिंक जो था भरा हुआ था बर्तनों से सुबह आंचल ने चाय पिया था वो बर्तन था तीर्थ के दूध की बोतल थी जब हम घर आए हैं मतलब होटल रिटर्न आए हैं सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं देखो ये रही तीर्थ की बोतल प्लस चद्दर वगैरह सब कुछ बिखरी हुई पड़ी थी क्योंकि हमने कुछ फोल्ड नहीं किया था मस्त उन्होंने अपना बेडशीट यहाँ पे कर दिया ये पूरा बेड बना दिया सारे ट्रैश जो है सब निकाल के बाहर ले गए हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट लिविंग इन अ होटल और अगर होटल अच्छी सर्विस देता है ना तो हमेशा एक बंदा उस होटल के लिए लॉयल कस्टमर बन जाता है बिकॉज देन अगली बार कभी भी हमें अगर ऑटवा आना होगा तो हम 100% रेसिडेंसी नहीं चूज करेंगे बिकॉज इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है तो ये हर जगह मिलती नहीं और स्पेशली इस कंट्री में सर्विसेज के नाम पे तो मतलब इंडिया के पीछे ही है ये कंट्री बट अगर अच्छी सर्विस मिल रही है तो ऑफकोर्स मैं इसके बारे में तो जरूर बताना चाहूंगा सो ग्रेट सर्विस टाइम टू ओपन द कुकर एंड देखो कैसा बनाया है यार टाइम टू रिवील द सरप्राइज हा 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 क्या बात है भाई बहुत बढ़िया लग रहा है आलू कच्चा लग रहा है क्या ना 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 बहुत बढ़िया है देखो ओहो हो वेरी नाइस खा के बता दूं रुको एंड द फूड इज रेडी एंड टूटू आ गई है हाउ इज द प्लेटिंग मैंने बोला ना प्लेटिंग में मैं मानता हूँ चलो यार मैं मास्टर शेफ हूँ लेकिन खाना बनाने में आई डोंट नो ओह माय गॉड इट्स लाइक पीकॉक अ पीकॉक ओके खा के बताओ कैसा है बाबे चिप्स खा के मत बताओ राइस खा के बताओ चिप्स खाने किसने बोला बे इट माइट बी लिटिल टू हॉट सो यू गॉट टू कूल इट डाउन अ बिट ओके 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 लेट मी ट्राई मेरा ट्राई करने का टाइम है चलो मैं ट्राई करके मैं एकदम रियल फीडबैक देता हूँ टूटू तो बता ही नहीं रही है नमक कम है मेरा नमक का पंगा होता ही हमेशा नमक थोड़ा सा कम है अदरवाइज परफेक्ट है राइस सही कुक्ड है आलू सही कुक्ड है नमक कम हो गया ठीक है सीखेंगे धीरे धीरे करके सीखेंगे ऐसे ही चलो ये एंजॉय करते हैं ऑलराइट टाइम हुआ है 6 आंचल आ गई थी 5:30 बजे नहा वहा के अभी वो बैठी हुई है कैसा था तुम्हारा ऑफिस अच्छा था मस्त गुड आज का दिन बेटर था कल से या मोर एंगेजिंग चलो बढ़िया है वैसे हमारा प्लान था कहीं और जाने का एक दो और स्पॉट्स कवर करने का कुछ साइट सीइंग करने का लेकिन ये लड़के ने आपने देख लिया है कितना खेला है ये ऑलमोस्ट 2.25 घंटा पार्क में खेल रहा था टूटू खेल रही थी
तो अभी तक सो रहा है वो, क्योंकि वो उसके सोने का टाइम था, उस वक्त वो सोया नहीं और वो खेल रहा था और जम के खेला है, तो उस वजह से अभी ये सो रहा है। तो आई डोंट थिंक अभी तो कहीं कुछ घूमने का, साइट सीइंग का कुछ प्लान होगा। हाँ, टूटू का मन है पूल जाने का, शायद हम पूल चले जाएं, वो एक छोटी सी चीज़ है। तो मतलब मेरे को लग रहा है मोटा मोटा आज का पूरा दिन हमने बच्चों को ही इंजॉय करवाया, पर ठीक है यार, दैट्स द मेन थिंग। टूटू कैसा था आपका पार्क आज? मम्मा को बताओ कैसा था आपका पार्क। ओह माय गॉड, सो गुड, हेवनली पार्क, आई लव्ड इट। उसको इतना पसंद आया है ना, बच्चों ने इतना एंजॉय किया है ना कि पूछो मत। दिख रहा है वो उतनी देर। सच में, मतलब यार हर बंदा चाहता है कि उनके बच्चे बहुत एंजॉय करें, और उनके चेहरे पे जब स्माइल आती है तो हमारे चेहरे पे भी स्माइल आती है, और आज का दिन एग्जैक्टली वैसा ही था। मतलब इट वॉज सो गुड, सो गुड, सो गुड। एंड अभी हम जा रहे हैं पूल, वही हुआ देखा मैंने जो बताया आपको कि आज बच्चों का दिन है, तो हमने बच्चों को मस्त एंजॉय कराया है। हमने वो वाला पूल जो हॉलिडे इन था, वो वाला पूल तो हमने एंजॉय किया ही था। तो यहाँ का पूल चेक करेंगे साइज वगैरह कैसा है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लोरीन वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। तो उस दिन हॉलिडे इन में जब हम गए थे वहाँ पर क्लोरीन इतना ज़्यादा था कि पूरी बॉडी में जो था इतना इचिंग होने लग गया था, सो इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। यहाँ का, यहाँ पर भी बहुत क्लोरीन का स्मेल आ रहा है। ये इट्स वार्म, हाँ अंदर गर्म है। तो ये है देखो यहाँ पे इनका पूल, काफ़ी सही लग रहा है वैसे तो, बट मुझे फिर से ये लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत क्लोरीन होने ही वाला है। Enjoy yourself. यार पंगे हैं पंगे, बट बच्चों को जाना है तो क्या करें। चेक कर ले पानी का टेम्परेचर कैसा है। ओहो, बहुत मस्त गर्म है यार। आई नो, लेट्स गो। इतना ज़्यादा इन्जॉय किया हम सभी लोगों ने। वो होता है ना कभी कभी आप सोचते हो कि यार कौन सा प्लान करना चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बच्चे खुश होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको मिलती है। ये मैंने आज ट्रूली और जेन्युइनली फील किया है। आज मैंने टूटू को भी बोला, आंचल को भी बोला ऑफिस से आने के बाद, कि मैंने आज बहुत इन्जॉय किया, चाहे मैं कोई ज़्यादा साइट सीइंग कवर नहीं कर पाया, लेकिन जब टूटू और तीर्थ इतना इन्जॉय कर रहे थे पार्क में, एंड एट द सेम टाइम जब वो लोग ने यहाँ पर पूल में भी इन्जॉय किया, I was thoroughly happy. I couldn't have thought of any better way to end this evening and to end our Ottawa trip better than this. मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा है बच्चे लोग को आज enjoy करा के। So बस I think आज ये evening हमारी last evening है Ottawa में। कल return अपना शुरू करेंगे जाने के लिए घर Hamilton। Room पड़ा है, हमारे bags हैं वो खुले पड़े हैं, काफी फैला हुआ पड़ा है, तो अभी बस हम लोग वो समेटेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड समेट देंगे वो सारी चीजें, ताकि कल सुबह जब हम चेकआउट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने रिक्वेस्ट किया थोड़ा लेट चेकआउट के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा आराम से सारे काम कर सके। वैसे आंचल को कल भी ऑफिस जाना है, तो वो डिपेंड करेगा वो कितने बजे रिटर्न आएगी, उसके बाद हम लोग लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी। सो आई एम नॉट श्योर क्या प्लान है, लेकिन टेंटेटिवली अराउंड 2 बजे के आसपास हम सोच रहे हैं अपना रिटर्न जर्नी शुरू करने का। बाकी तो जो भी होगा वो आंचल कंफर्म करेगी। सो इस वीडियो को आई थिंक गाइज यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर आपको पसंद आया है कोई भी स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक चीज, तो कॉमेंट जरूर करके बताना। पूरी ऑटवा की ट्रिप की जो हमारी सीरीज है, मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना लिया है, डेफिनेटली जाके उसको चेकआउट करना प्लेलिस्ट सेक्शन में। अगर कोई आपने वीडियो मिस कर दी है तो उसको जाके प्लीज चेकआउट करना। शो सम लव, शो सम सपोर्ट, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गाइज कैन डू दैट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।